हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। आज 26 अक्टूबर है तो आप रेडी अपने करंट अफेयर्स सेशन देना। करंट अफेयर्स सेशन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, चाहे तुम किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, सेशन थोड़े लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुम अपने फ्रेंड्स के नाल जुड़े हुए हो, काइंडली सेशन में शेयर करना स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करेंगे सेशन। सब तो पहले चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। और कंटेंट्स दे विच सब तो पहले आप डिस्कस करांगे एमसीक्यू रिवीजन। रिवीजन दे लई उन्हां क्वेश्चंस नूं डिस्कस करांगे जिन्हां ऑलरेडी आप न्यूज़ फॉर्म दे विच डिस्कस कर चुके। इस तो अलावा वन लाइनर फॉर्म दे विच भी कुछ चीज़ां नूं रिवाइज करांगे, प्लस करंट न्यूज़ जो अज दी न्यूज़ ने उन्हां नूं डिस्कस करांगे। ठीक है जी, स्टार्ट करांगे। सैशन नूं शेयर जरूर कर दो, जिथे भी शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू रिवीजन देना। एमसीक्यू रिवीजन दे विच सब तो पहले उस क्वेश्चन का आंसर जो कल का क्वेश्चन पूछा से, अपने होमवर्क के क्वेश्चन पूछा से, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंसड क्रिएशन ऑफ ₹1000 करोड़ क्रैडिट गरंटी फंड। 1000 करोड़ का क्रैडिट गरंटी फंड ट्रस्ट बनाने की अनाउंसमेंट की थी किसने? नबार्ड ने। किसने करी सी? नबार्ड ने, नैशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हूँ अज के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डे इज़ ऑबजर्वड एज यूनाइटेड नेशनस डे। किस दिन यूनाइटेड नेशनस डे ऑबजर्व किया जाता है? विच डे इज़ ऑबजर्वड एज यूनाइटेड नेशनस डे, यह ऑबजर्व किया जाता है 24th of October। 24th October यूनाइटेड नेशनस डे ऑबजर्व किया, यूनाइटेड नेशनस डे ऑबजर्व किया गया। नेक्स्ट है रिधिमा वीरेंद्र कुमार किस खेल तो बिलोंग कर, कल भी डिस्कस किया सी, स्विमिंग तो बिलोंग करते हैं। रिधिमा वीरेंद्र कुमार किस खेल तो बिलोंग करते हैं? स्विमिंग तो बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, इन्होंने बेसिकली चैंपियनशिप जीती है, याद रखेंगे स्विमिंग दी, गोल्ड मैडल जीतया सी बेंगलोर दे विच। नेक्स्ट है हू हैज़ लॉन्च द बुक टाइटल्ड वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की बुक है जो लिखी गई है उदय महोरकर और चिराऊ पंडित द्वारा। इस बुक नू जारी किसने किया है, रिलीज़ किसने किया है? इस बुक नू रिलीज़ किया गया सी डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया दे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है जी, राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने। हरदीप सिंह पुरी बेसिकली इन्हां लवेक हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री है और यह राज्यसभा MP ने उत्तर प्रदेश तो। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम नू किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया? इसनू लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ द्वारा। ठीक है जी, श्री धनवंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर स्कीम। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने नाम याद रखांगे, और गवर्नर की गल करते हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस्ड टू बिकम नेट जीरो कार्बन एमिटर कंट्री बाय 2060। 2060 तक किस कंट्री, केड़ी कंट्री 2060 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी, नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगी? रिसेंटली अनाउंस किया साउदी अरेबिया द्वारा। नेक्स्ट है हु हैज़ वॉन टाइटल ऑफ मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021। किस द्वारा टाइटल जीता गया मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का?
मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का टाइटल किन्ना द्वारा जितया गया? तो यह टाइटल जित लिया गया अक्षता प्रभु द्वारा, डॉक्टर अक्षता प्रभु। इस तो अलावा बाकी ऑप्शनस भी रिसेंटली न्यूज़ के विषय आप डिस्कस किए सी। पीएस विनोद राज का नाम, पीएस विनोद राज किस लिए डिस्कस किया? बेसिकली इन्हों की एक मूवी सी, इन्हों की एक मूवी सी जिस करके इन्हों अवार्ड दिता गया सी। आई थिंक इन्हों की मूवी पैबल्स नाम की मूवी के डायरैक्टर सी पीएस विनोद राज। पैबल्स नाम की मूवी के डायरैक्टर ने और यह मूवी ऑस्कर के लिए नॉमीनेट की गई है। ऑस्कर के लिए इंडिया वालों 2022 के ऑस्कर जो कि 94th एडिशन है इस दे लिए नॉमीनेट की गई। ठीक है जी। मार्टिन स्क्योरसी और इस्टेवन साबो, मार्टिन स्क्योरसी और इस्टेवन साबो इन दोनों 7 लाइफटाइम अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया। इन्हों 7 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता जाएगा। ठीक है जी। ये भी आप डिस्कस किया। इस तो अलावा कार्लस सोरा का नाम आपने डिस्कस किया। कार्लस सोरा बेसिकली ओपनिंग फिल्म ये बेसिकली इन्हों की मूवी सी किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड मूवी है जो ओपनिंग मूवी रहेगी जिसनों डायरेक्ट किया गया कार्लस सोरा द्वारा। किसकी ओपनिंग मूवी? जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा गोवा दे विच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रहेगा उसकी ओपनिंग मूवी रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की गल करते तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है देवड़ीगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी कितने लोकेटड है, किड़ी स्टेट के लोकेटड है। ठीक है। न्यूज़ के आप डिस्कस की सी तो अपने लिए क्वेश्चन बनेगा कि देवड़ीगढ़ वाइल्डलाइफ सेंचुरी किड़ी स्टेट के लोकेटड है। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स के आंसर जरूर देने। नेक्स्ट चलते हैं वन लाइनर रिविजन के वाल चलते हैं तो वन लाइनर रिविजन के सब तो पहले है इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम रही है स्पीक द चेंज यू विश टू सी। इंटरनेशनल शटरिंग अवेयरनेस डे कदों? 22 अक्टूबर में। 22 अक्टूबर। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे इस बुक के ऑथर कौन ने, राइटर कौन ने? तो इस बुक के राइटर सिगे भास्कर चट्टोपाध्याय इस बुक के राइटर। नेक्स्ट है डैश अनाउंस्ड टू एक्वायर 40% स्टेक इन मनीष मल्होत्रा MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड। मनीष मल्होत्रा दी जो MM स्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है इस दे विच 40% स्टेक एक्वायर करन दे लई किसने अनाउंसमेंट की है? इस दे विच 40% स्टेक एक्वायर करन दी अनाउंसमेंट की है रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा 40% स्टेक एक्वायर करन दी अनाउंसमेंट की गई। यूपी गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम की कर दिता गया? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट कर दिता गया यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन ने? योगी आदित्यनाथ। डैश गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर कालीज फीजेंट एज इट्स स्टेट बर्ड। जो कैलीज फीजेंट है इसनों स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया। कालीज फीजेंट नू स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया कित किस द्वारा? तो जम्मू कश्मीर द्वारा। ठीक है जी, याद रखेंगे।
नैक्सट चलते हैं अज्ज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ के वल। अज्ज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ नू डिटेल फॉर्म के डिस्कस करांगे, उस तो बाद कल दे दिन इसते MCQs डिस्कस करांगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करांगे। सब तो पहले वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे 24 अक्टूबर, इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर। इसी के नाल 24 अक्टूबर वर्ल्ड पोलियो डे भी ऑब्जर्व किया गया। बेसिकली 24 अक्टूबर कई इंपोर्टेंट डेज ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो जिन्हों के सब तो पहले अपने UN डे डिस्कस किया जी सी, जो सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट है। इस तो अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, वर्ल्ड पोलियो डे भी 24 अक्टूबर ही ऑब्जर्व किया गया। थीम रही है वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। यह इस दिन की थीम रही है। इस तो अलावा 24 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिप्लोमैट्स भी 24 अक्टूबर ही ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, जो डिप्लोमैट्स होंगे ने उन्होंने लिए इंटरनेशनल डे 24 अक्टूबर। इस तो इलावा रेजिंग डे ऑफ ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP का रेजिंग डे 60th रेजिंग डे भी 23 अक्टूबर ऑब्जर्व किया गया। सी याद रखांगे 24th अक्टूबर ही ऑब्जर्व किया गया सी 1962 इसनों बनाया गया सी। न्यू दिल्ली दे विच हेडक्वार्टर है और संजय अरोड़ा इस दे हेड ने। नेक्स्ट है रियलमी अपॉइंटेड KL Rahul एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। रियलमी द्वारा KL Rahul ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया। रियलमी द्वारा बेसिकली सलमान खान नू भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सी। हुण KL Rahul जो कि क्रिकेटर ने इन्हां नू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जसप्रीत बुमराह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए ने OnePlus वियरेबल्स दे। OnePlus कंपनी है जो इसके वियरेबल्स ने, फॉर एग्जाम्पल इसके जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए ने? जसप्रीत बुमराह। ठीक है जी, ब्रांड एम्बेसडर डिफरेंट इंपोर्टेंट बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप अक्षय कुमार का डिस्कस किया, हॉर्लिक्स के बनाए गए थे, एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए। इस तों इलावा अगर आप गल करते हैं होर डिफरेंट क्वेश्चन एम्बेसडर उत्ते डायरैक्टली पूछ ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण का अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया है, इंपोर्टेंट बनेगा। दीपिका पादुकोण एडिडास के बनाए गए ने, इस तो पहले लेविस के बनाते गए थे। इस तों इलावा अगर आप गल करते हैं भारत की लक्ष्मी इनिशिएटिव के ब्रांड एम्बेसडर ने दीपिका पादुकोण। ठीक है जी, प्लस क्रिस्टल अवार्ड दिता गया सी इन्हों वर्ल्ड इकनोमिक फोरम द्वारा। नेक्स्ट रेड बुल्स मैक्स वर्सटैपन जो कि रेडबुल दे लिए ड्राइव करते हैं। मैक्स वर्सटैपन जो कि रेडबुल दे लिए ड्राइव करते हैं, नीदरलैंड तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने की जित लिया 2021 का USA ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जित लिया। 2021 का USA ग्रैंड प्रिक्स टाइटल जित लिया। US ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीते है? मैक्स वर्सटैपन ने जीते। इस साल दे मैक्सिमम 2021 दे मैक्सिमम ग्रैंड प्रिक्स टाइटल किसने जीते ने? तो अपना आंसर होएगा मैक्स वर्सटैपन। ठीक है जी, सेकंड नंबर ते लुईस हैमिल्टन ने 5 टाइटल जीते ने, और लुईस हैमिल्टन द्वारा अपना 5वां टाइटल जीतन देना 100 टाइटल्स इन्होंने पूरे कर लेने, अपने कैरियर दे 100 इंटरनेशनल टाइटल्स पूरे कर लेने लुईस हैमिल्टन ने। लुईस हैमिल्टन UK तो बिलोंग करते हैं और मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं।
इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इकरा। इस द्वारा एमडी सीईओ बनाया गया रामनाथ कृष्णन ने जेडे एमडी सीईओ नामित किए गए ने इकरा द्वारा। इकरा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है जी। नेक्स्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट की अगर आप गल करते हैं, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उत्तराखंड के कमेंट बॉक्स से भी दसने हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर रिसेंटली बनाए गए ने, कमेंट बॉक्स से भी जरूर दसने चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। इन्होंने की बनाया, एरोमेटिक गार्डन बनाया। बेसिकली उत्तराखंड एक ऐसी प्लेस है जिथे डिफरेंट गार्डन आप रिसेंटली कई बार डिस्कस किए हैं, ठीक है। लीचन पार्क डिस्कस किया उत्तराखंड के, ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट सीगा। एरोमेटिक पार्क बनाया जा रहा है, हम एरोमेटिक बेसिकली सुगंध कह सकते हैं, सुगंध दे लई गार्डन, एक स्पेशल गार्डन कित्थे बनाया जा रहा है, नैनीताल दे विच, ठीक है जी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के एक्सरसाइजिज़ होंदिया ने नॉर्मली, आप कई बार डिस्कस कीतियां ने, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं होर भी उत्तराखंड के अगर आप डिस्कस किया, एक ब्रिज डिस्कस किया, ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ऋषिकेश के बनाया गया सी, ठीक है, वह भी उत्तराखंड के है, तो याद रखेंगे। फर्स्ट IVF काफ ऑफ बानी ब्रीड ऑफ बफेलोस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। बेसिकली बफेलोस की एक बानी ब्रीड है, इसकी IVF काफ, IVF बच्चा, ठीक है, जिस तरीके टेस्ट ट्यूब बेबीज होंगे ने, ठीक है, ह्यूमन के भी टेस्ट ट्यूब बेबी होंगे ने, उसी तरीके IVF काफ बफेलोज जो एनिमल IVF काफ पैदा होया है, कितने पैदा होया, पहला गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात दे विच, ठीक है। बेसिकली बानी ब्रीड है बफेलोज की जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट पाई जाती है, बेसिकली गुजरात दे, तो इत्थे की पैदा किया गया, IVF काफ पैदा किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है चाइना हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू सैटेलाइट टू टेस्ट एंड वेरीफाई स्पेस डेब्रिज मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज नेम्ड CZ-CON-21 लॉन्च्ड बाय Long March 3B रॉकेट। चाइना ने की करे एक सैटेलाइट लॉन्च की है, ठीक है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा सैटेलाइट का नाम CZ-CON-21। सिंपली पूछा जा सकता है CZ-CON-21 सैटेलाइट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है, डायरेक्टली। दूसरा क्वेश्चन, CZ-CON-21 का काम की है, CZ-CON-21 का काम है कि स्पेस डेबरीज नू टेस्ट और वेरीफाई करना। डेबरीज की होंगे, डेबरीज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आप स्पेस के डिफरेंट चीज़ा भेज रहे हैं, ठीक है, आप स्पेस के सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, रॉकेट्स भेज रहे हैं, तो उन्होंने जोड़ा बचिया खुचा रह जाता समान, ठीक है, वो कचरा बन जाता है, तो स्पेस के कचरे को डेबरीज कह जाते, ठीक है, जो स्पेस के बिना गलों तैर रहा है, ठीक है, स्पेस को खराब कर रहा है, स्पेस के एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, तो स्पेस डेबरीज है जो इस चेक करने के लिए वेरीफाई करने के लिए CZ-CON नाम की सैटेलाइट किस कंट्री ने लॉन्च की है, चाइना द्वारा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर MK Stalin, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने MK Stalin इन द्वारा ई मुनी ट्रैम वेब पोर्टल की शुरुआत की गई। ई मुनी ट्रैम वेब पोर्टल है जो कितने लॉन्च किया गया है, ये तमिलनाडु के लॉन्च किया गया, यह तमिलनाडु के लॉन्च किया गया, ठीक है। पूछा जाएगा ई मुनी ट्रैम पोर्टल किस स्टेट के लॉन्च किया गया, तो अपना आंसर होएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है RBI डिसाइडेड टू एक्सटेंड Basel III कैपिटल फ्रेमवर्क टू ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम 1 April 2022, ठीक है। अगर आप बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बैंक PO की तैयारी कर रहे हैं, SBI PO की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेगी ये न्यूज़ काफ़ी डिटेल दे विच, काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल दिता हुआ सी इस दे रिलेटेड, चाहो तो स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिंपल पंजाब लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने लिए इंपोर्टेंट बनेगा कि Basel III कैपिटल फ्रेमवर्क है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे लई, इसनू कदों तक एक्सटेंड किया गया, 1 April 2022 तक।
चाइना पास्ड इट्स न्यू एजुकेशन लॉ विद द एम ऑफ कटिंग द ट्विन प्रेशर्स ऑफ होमवर्क एंड ऑफ साइट ट्यूटरिंग इन द कोर सब्जेक्ट्स। बेसिकली कि जो स्टूडेंट्स के उत्ते डबल प्रेशर होंगे एजुकेशन लॉ दे विच, फॉर एग्जाम्पल अगर गल करते हैं, एक तो बच्चा स्कूल गया, स्कूल दे विचों होमवर्क लेके आया, इस तों इलावा ट्यूशन ते जा रहा, ट्यूशन ते अलग होमवर्क करवाया जा रहा, अलग काम करवाया जा रहा, तो डबल प्रेशर बच्चे दे दिमाग दे उत्ते ना पवे, तो एजुकेशन लॉ नूं चेंज किया, एजुकेशन लॉ नूं चेंज किया जिस दे विच ट्यूशन्स नूं प्रॉपर तरीके नाल बैन दी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, एक पार्टिकुलर कैटेगरी नूं ही ट्यूशन्स प्रोवाइड की जाएगियां, फॉर एग्जाम्पल कि अगर वह बच्चा काफ़ी ज़्यादा वीक है तो स्पैशल कंडीशनस दे विच उसनूं ट्यूशन्स दित्तियां जाएगियां, लेकिन बाकी तरीके दी ट्यूशन्स नूं कैंसल करन दी अनाउंसमेंट की गई। ठीक है, इस तो इलावा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ा सी इस दे विच अपने लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं बनेगा, फॉर एग्जाम्पल कि जो गेमिंग है ऑनलाइन गेमिंग उसके टाइम नूं बच्चों के लिए रिड्यूस किया गया वगैरह वगैरह, अपने लिए सिंपल इंपोर्टेंट बनेगा कि एजुकेशन लॉ दे विच चेंजेस करन दी अनाउंसमेंट, ट्विन प्रेशर नूं रिड्यूस करन दे लई एजुकेशन लॉ दे विच चेंजेस या न्यू एजुकेशन लॉ किस कंट्री ने शुरू किया है, चाइना ने। कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर, इंडिया दे कल्चर टूरिज्म मिनिस्टर कौन ने, जी कृष्ण रेड्डी, सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोकसभा एमपी, सिकंदराबाद तेलंगाना तो लोकसभा एमपी जी कृष्ण रेड्डी ने बायपोलर आर्ट डिसइनफेक्टेंट एंड प्यूरीफायर, बायपोलर एयर डिसइनफेक्टेंट एंड प्यूरीफायर लॉन्च किया है, जिसनों हैदराबाद की यात्रा डिवाइसिज एंड सिस्टम द्वारा बनाया गया। हैदराबाद बेस्ड जैत्रा डिवाइसिज एंड सिस्टम LLP बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, डेवलप किया है और लॉन्च किया गया जी कृष्ण रेड्डी द्वारा। फ्रांस स्पेस एजेंसी CNES, हुणे आपां चाइना दे रिलेटेड डिस्कस किया, चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च की और फ्रांस ने भी सैटेलाइट लॉन्च की। फ्रांस ने की लॉन्च किया है, फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES है, इसने स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिराकूज़ 4A, इसनों हाईलाइट कर लियो इंपोर्टेंट बनेगा, सिराकूज़ 4A नाम की जो सैटेलाइट है इसनों एरियान 5 रॉकेट की हेल्प के नाल लॉन्च किया। मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट है सिराकूज़ 4A, किस कंट्री की एक्सरसाइज है डायरेक्टली पूछा जाएगा, फ्रांस की सैटेलाइट है। केरला हैज़ वॉन अवार्ड फॉर द सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, केरला द्वारा सिटी विद द मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड जीतया गया। इस अवार्ड नू यूनियन मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दे हरदीप सिंह पुरी, कल भी डिस्कस किया है, हुन भी डिस्कस किया है, नाम हरदीप सिंह पुरी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर ने इन्हों द्वारा इस अवार्ड नू दिता गया। ठीक है जी, मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम केड़ी स्टेट का है, केरला का। आंध्र प्रदेश हैज सेलिब्रेटेड फिदी थाली श्री मन्नू उत्सव, फाइदी थाली श्री मन्नू उत्सव, इस फेस्टिवल नू किस स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किया गया, आंध्र प्रदेश। डायरेक्टली वन लाइनर दे विच फेस्टिवल्स पुछले जाते हैं, बाथुकामा फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है, उसी तरीके नाल फिथी थाली श्री मन्नू उत्सव आंध्र प्रदेश, तो कमेंट बॉक्स से भी दसना है बाथुकामा फेस्टिवल किस स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज किया गया। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, उस तो इलावा भी दसना दुर्गा पूजा फेस्टिवल रिसेंटली कैंसल किया गया, इस साल के लिए भी एक इतने ऑर्गेनाइज किया जाए। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर, इंडिया का पहला खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है जो उस C-12 के लिए रेडी है और 22 अगस्त 2022 दे विच अगर आप गल करिए इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा इंडियन नेवी दे विच। ठीक है जी, हुन तक इंडिया कोले सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, ठीक है जी।
इंडिया ने बाय कराया सी। और अगर आप गल करते हैं जो पहला बनाया जा रहा है इंडिया के खुद द्वारा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है, तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए इस दे उत्ते लगा दिए गए हैं। 23,000 करोड़ रुपए की लागत के नाल इसनों बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल लॉन्च प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना इसनों लॉन्च करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किस दे लई? बेसिकली वाराणसी यूपी तो, ये इंपॉर्टेंट बनेगा कितों लॉन्च की गई। टू फिल द गैप इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वेलेंस एंड हेल्थ रिसर्च 2025-26 तक जो हेल्थ रिसर्च और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच गैप है, रूरल और अर्बन एरिया दे विच हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस और हेल्थ रिसर्च दे विच जो गैप है उसनों पूरा करने दे लिए 2025-26 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही विजिट की जाएगी रोम दी और ग्लासगो दी, रोम इटली दी, ग्लासगो यूके दी, ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके। 29th अक्टूबर तो 2 नवंबर तक 26th हो गई है, 29th विजिट ते जा रहे ने। किस दे लिए? एक तो 16वां G20 समिट अटेंड करने के लिए, G20 समिट द 16th एडिशन इटली होस्ट करेगा, रोम दे कोल इटली कोल प्रेजेंसी है, रोम दे विच होस्ट किया जाएगा, उस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। प्लस COP26 मीटिंग ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच ऑर्गेनाइज की जानी है 2 नवंबर नू, एथे भी पार्टिसिपेट करनगे। वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है जी। अच्छा, G20 समिट की थीम आप ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, प्रोस्पैरिटी पीस समथिंग इस तरीके की थीम है, याद रखें। नेक्स्ट है सुनील पालीवाल अपॉइंट किए गए ने चेयरमैन चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट दे चेयरमैन बनाए गए ने सुनील पालीवाल। के माधवन प्रेसिडेंट ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया और स्टार इंडिया दे इन्हों अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल फाउंडेशन, ठीक है जी। इस दे प्रेसिडेंट बनाए गए ने के माधवन, बेसिकली रीअपॉइंटमेंट की गई है, ऑलरेडी यह पहले भी प्रेसिडेंट बने हुए। रीतू मेनन बेसिकली एक राइटर ने, इन्होंने बुक लिखी है जोहरा अ बायोग्राफी इन फोर एक्ट। इस बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने? इस बुक दे राइटर ने रितु मैन। आज दे लिए बस इना ही। आई होप तुहानू सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली सैशन नू जरूर कर दे रहो, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।